हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो कॉस्मोस के ग्रोइंग पे है कि हम इसको कैसे लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए जो मैंने सीड लिए हैं वो कॉस्मोस ब्राइट लाइट मिक्स्ड हैं, मतलब इसमें हर कलर्स हैं। तो इसके 40 सीड हैं और ये मुझे 50 रुपये में मिला है। तो फ्रेंड्स, इसको मैंने ऑनलाइन स्काई सीड से बाई किया है। तो इसके जो फ्लावर्स हैं वो काफ़ी अच्छे लगे मुझे देखने में, तो इसलिए मैंने इनको बाय कर लिया। मई की आज 2 तारीख हो चुकी है। कॉस्मोस एक ऐसा प्लांट है जिसको हम विंटर में भी ग्रो कर सकते हैं और समर सीज़न में भी। ये 2 इन 1 है, मतलब ये प्लांट दोनों सीज़न में चलता है। ये प्लांट किसी भी तरह की मिट्टी में ग्रो किया जा सकता है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, इसके सीड में आपको दिखाता हूँ कि कैसे हैं। तो हम इसको किसी भी सीजर की मदद से काट लेंगे। ये हैं जी इसके सीड। तो अभी कुछ बीज ही हैं, वो फंसे हुए हैं पैकेट में। तो फ्रेंड्स, ये देखें, मैं आपको फोकस करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये हैं इसके सीड, ये कुछ लंबे लंबे। तो फ्रेंड्स, इसके लिए जो मैंने सॉइल ली है वो सैंडी सॉइल है, बालू मिट्टी। तो इसमें हम इनको लगाएंगे। तो इसके लिए मैंने सीडलिंग ट्रे लिया है प्लास्टिक का। तो अब हम इसके ऊपर सीड को रखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सीड को हम ज़्यादा गहरा नहीं लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये मैं कुछ दिन पहले ही इसको भर के रखा था, तो उसके बाद बारिश हुई, तो जिसकी वजह से इसकी मिट्टी थोड़ी सी ऐसे बन गई। लीजिए फ्रेंड्स, हमने सभी सीड्स लगा लिए हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं इस ट्रे को पानी दूंगा, तो पानी मैं इसको प्लेट में रख के दूंगा, क्योंकि इस प्लेट के नीचे होल हैं, तो वो उन होल से ये प्लेट पानी को सक करेगी जितनी इसकी नीड होगी। पानी देने के बाद हम इनको किसी शेडी प्लेसेस पे रखेंगे ताकि हमारे सीड अच्छे से जर्मिनेट हो जाएं। जब आपके प्लांट निकल आएँ तो आपने एकदम से उनको सनलाइट में नहीं रखना, बस उनको किसी ऐसी जगह पर रखना है जहां उनको ब्राइट लाइट मिले। पानी आपको डेली बेसिस पे देना पड़ेगा। आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। इसके साथ हमें दीजिए इजाज़त। गुड बाय, सी यू, हैप्पी गार्डनिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।